तो गाइस जब हम प्रोजेक्ट के मूवी के बारे में सोचते हैं डार्लिंग प्रभास की, जो कि 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है, तो वो फिल्म को ले करके ना गाइस जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ अलग तरीके के ख्याल आते हैं कि ये लोग फ्यूचर को दिखाने वाले हैं, एक अलग तरीके की दुनिया को दिखाने वाले हैं। और जिस तरह का ये लोग पोस्टर वगैरह छोड़े हैं, वो पोस्टर को देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अलग तरीके का फिल्मी एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करने को मिलने वाली है बोल करके। तो गाइस प्रोजेक्ट के मूवी से पहले ही कुछ ऐसा हमारे साथ होने वाली है, वो भी इसी साल दिवाली के मौके पर। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं मूवी आयलन की, जो कि शिवा कार्तिकेयन जी का फिल्म है। यार शिवा कार्तिकेयन एक बेहतरीन एक्टर है यार, उनकी कई सारी फिल्में मैं देखा हूँ, गोलमाइन पे बहुत सारी फिल्में आती हैं उनकी, जो कि हिंदी डॉब पे, वो रेमो हो गया, 1000ों में मेरी बहना हो गया, ऐसे बहुत सारी फिल्में मैं देखा हूँ, जो कि मतलब कॉमेडी के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, रोमांटिक, हर हर तरीके से वो एक बेहतरीन एक्टर है, जो कि मज़ा आता है उनको देख करके। तो वो इस फिल्म में हीरो होके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी उसका जो मोशन पोस्टर आया है, और मोशन पोस्टर जिस तरह से डिजाइन किया गया है, एक एलियन टाइप का एक है जो वो उड़ रहे हैं और उनके साथ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आयलैंड फिल्म है, इसकी जो जोनर है फिल्म है साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है। हालांकि फिल्म की जोनर कॉमेडी हो सकता है, लेकिन साइंस फिक्शन के हिसाब से इस फिल्म में जिस तरह से काम हो रहा है ना भाई, वो देख करके आप एकदम से सैल्यूट मार दोगे, क्योंकि 7 सालों से ये फिल्म बन रही है दोस्त, तो किस लेवल पे काम हो रहा होगा आप जरा सोचो, है ना। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं के एस रवि कुमार, जो कि दशावतारम, कमल हासन जी का दशावतारम, लिंगा, पुलिसगिरी, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन फिल्मों के साथ वो काम किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उनकी डायरेक्शन की, ओके, खतरनाक डायरेक्टर है वो। और इस फिल्म में शिवा कार्तिकेयन जी के साथ रकुल प्रीत, शरद केलकर, फिर ईशा कोप्पिकर, प्रिया भानु, योगी बाबू, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन कलाकार हैं जो कि फिल्म को 4 चांद लगाने वाले हैं। गाइस इस फिल्म की, अगर हम साइंस फिक्शन फिल्म है तो इसकी बीएफएक्स सीजीआई के बारे में बात करें तो उसमें तो एक लेवल के, मतलब टॉप लेवल पे ये चला जाता है, क्योंकि इसमें आज तक की, ओके, बोला जा रहा है कि आज तक की इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म में इतने खतरनाक सीजीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिस तरह का सीजीआई का इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ है। और बीएफएक्स की बात करें तो 4500 से ज्यादा तक की बीएफएक्स शॉट्स इस फिल्म में डाला गया है। और ऊपर से इस फिल्म की बीएफएक्स सीजीआई का जो जिम्मेदारी है वो फैंटम बीएफएक्स कंपनी उठा रही है, जो कि एवेंजर, द फ्लैश, फिर ये जो जोकर, ऐसी फिल्मों के साथ वो काम किया हो, ठीक है ना। तो बीएफएक्स सीजीआई के मामले में कोई डाउट नहीं है। और इस फिल्म तो साइंस फिक्शन मूवी है, पोस्टर, मोशन पोस्टर देख करके पता चल रहा है कि किस लेवल की दुनिया यहाँ पे दिखाएंगे ये लोग। तो गाइस एकदम से एक खतरनाक वाइब्स आ रही है कि प्रोजेक्ट की मूवी से पहले ही हमें इस तरह की एक दुनिया, इस तरह की एक फिल्म की एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलने वाली है। गाइस एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है, 7 सालों से बना रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो होगा इस फिल्म में जो कि खतरनाक होगा, हिलाने वाला। तो अभी इसकी मोशन पोस्टर आ चुकी है, मोशन पोस्टर देखने में बड़ा धांसू लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर में। और इसकी रिलीज डेट पता चल चुका है कि दिवाली के मौके पर, 2023, इसी साल के दिवाली के मौके पर ही ये फिल्म को हमें देखने को मिलने वाली है। और ये कि पैन इंडिया लेवल की फिल्म होने वाली है, जो कि बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज होंगी और डायरेक्टली हमें हिंदी में ही देखने को मिलेगा। हालांकि तमिल फिल्म है लेकिन हिंदी में देखने को डायरेक्टली मिलेगा, तो यू आर लकी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिवाली के मौके पर, मतलब नवंबर में ये फिल्म आ रही है, तो बैक टू बैक इसके ट्रेलर टीजर आएंगे अभी, है ना, बहुत सारे अपडेट आएंगे। अभी तो एक मोशन पोस्टर ही आया है, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ इसकी टीजर की, कि किस तरह के यहाँ पे मतलब सिनेमेटोग्राफी होगा, किस तरह का विजुअल होगा, किस तरह का दुनिया, किस तरह के फ्रेम हमें देखने को मिलने वाली है, वो चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिल्म के लिए तो हूँ, पर उससे पहले एक आउटपुट की, जो कि मैं इनकी जो जो बनाए हैं, जो दुनिया बनाए हैं, जो चीज बनाए हैं, वो देखने का, उसका एक झलक देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। तो बस टीजर का इंतजार है दोस्त कि आ जाए, क्योंकि एक खतरनाक वाइब्स आ रही है कि ये फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है। आपको कैसे कैसे लग रही है ये मोशन पोस्टर देख करके, ये आयलैंड फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट किस लेवल पे है, जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।